मछुआड़ा नगर वासियों ने प्रधानमंत्री के नाम मकसूदनगढ़ तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की कि मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी विनय कुमार शर्मा को लोकसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट आने तक मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी के तौर पर ही थाने में पदस्थ रहने दिया जाए। साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि लोकसभा चुनाव में असामाजिक तत्व लोग दे सकते हैं मकसूदनगढ़ में शांति भंग जैसी घटनाओं को अंजाम। यही कारण है कि असामाजिक तत्व के लोग कर रहे हैं प्रशासन संबंधी अधिकारियों को झूठी शिकायतें और कर रहे हैं जिला अधिकारियों को गुमराह, ताकि लोकसभा चुनाव में असामाजिक तत्व के लोग कर सकें उत्पाद। क्योंकि जब से विनय कुमार शर्मा मकसूदनगढ़ थाने का प्रभार संभाला है, तब से थाने में किसी भी तरह की शांति भंग करने वाले लोगों को और असामाजिक तत्व के लोगों को मकसूदनगढ़ में पनपने नहीं दिया। साथ ही दलालों को भी मकसूदनगढ़ थाने में कदम नहीं रखने दिया, और जो दलाली कर अपनी जेब गर्म करते थे उन पर पूरी तरह से थाना प्रभारी विनय कुमार शर्मा ने मकसूदनगढ़ थाने में अंकुश लगा दिया है। अब यही लोग मकसूदनगढ़ पुलिस की झूठी शिकायतें कराकर जिला अधिकारियों को गुमराह करने में लगे हैं। इसी के चलते आज मकसूदनगढ़ नगरवासियों ने प्रधानमंत्री समेत चुनाव आयोग, डीजीपी भोपाल सहित तमाम संबंधित अधिकारियों के नाम मकसूदनगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन दिया।